क्या जेउस और WWE को छोड़कर जाने वाला है? आखिर रोमन का बैकअप कब होगा? कब सोलो सिक्वा रोमन को चीट करेगा? क्या होगा जिमी उसो का अगर जेउस और WWE को छोड़कर चला जाता है? तो भाई जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। भाई सबसे पहले तो मैं आपको साफ कर देता हूँ कि जेउस और WWE को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन काफी टाइम से जेउस और WWE में काम कर रहा है, तो इसीलिए WWE उसे एक छुट्टी पर जाने दे रही है, लेकिन वो छुट्टियां मनाकर वापस आएगा। और अगर WWE से कोई जाएगा तो वो रोमन ही जाएगा, क्योंकि भाई जब जेउस और छुट्टियां मनाने जाएगा तब रोमन को सोलो सिक्वा दगा देगा, और फिर रोमन सोलो सिक्वा और जिमी उसो इन तीनों के बीच एक्शन दिखाया जाएगा, और उस टाइम सोलो सिक्वा का भयानक रूप देखने को मिलेगा। सोलो सिक्वा को एक खुखार भेड़िए की तरह दिखाया जाएगा, जो कि बिना किसी डर भय के किसी पर भी टूट पड़ता है, और उसके बाद जेउसो का कमबैक कराया जाएगा, और जेउसो छुट्टियों पर जाकर आएगा तो उसका गुस्सा भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और वो आकर रोमन से कहेगा कि भाई आखिर हम सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और एक टाइम था जब हम सभी भाई एक दूसरे के लिए किसी से भी भिड़ जाते थे, किसी से भी पंगा लेने के लिए तैयार रहते थे, और हमारा दुश्मन हमें देख कर कांप जाता था, तो उसका बस एक ही कारण था कि हम सभी एक साथ थे और एक दूसरे पर भरोसा करते थे, और आज हालत ये हो गई है कि हम एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। इससे हमें सभी भाइयों के लिए बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, तो क्यों ना एक बार फिर से हम ब्लड लाइन का गठन कर ले और सभी भाई एक साथ आ जाएं, और फिर जो भी अपना दुश्मन होगा उसे उसकी नानी याद दिला देंगे, और सारे भाई मिलकर WWE पर राज करेंगे, और WWE में चारों तरफ अपना ही तहलका होगा। तो भाई आपको क्या लगता है, क्या रोमन इन बातों से पिघलेगा? क्या वो जेउसो की इमोशनल बातें सुनकर इमोशनल हो जाएगा? क्या वो जेउसो से हाथ मिलाएगा? सोलो सिक्वा का इस बात से क्या रिएक्शन होगा? क्या जिमी और जेब पहले की तरह एक हो जाएंगे? दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से